मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जिसको सुनकर आप थोड़ा आश्चर्य पड़ जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी का एक दौर चल रहा है और पूरे देश इससे परेशान है। लोगों की माने लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। भारत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, किंतु उसके बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनका मुझे हृदय से बहुत ज़्यादा सुख है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं भारतीय संस्कृति की। मेरे प्यारे भाइयों, माने प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत ऊँची विकसित मानी गई है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिकता पर आधारित थी, लेकिन बीच में इसको लोगों ने अंधविश्वास, पाखंड, तरह तरह की मतलब इसको आक्षेप इसके ऊपर लगाए। और मुझे आज इस बात की बेहद खुशी है कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रामाणिकता कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस के समय पर भी एक बार सामने आई है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही यह दिशा निर्देश दिया गया है कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए, लोगों में आपस में ज़्यादा संपर्क नहीं होना चाहिए, और एक सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में इस सोशल डिस्टेंसिंग के जो पैमाने हैं उसका पूरा सम्मान किया गया था। लेकिन बाद में इसे गालियां दी जाने लगी, बोले कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा पाखंड है, यहाँ छुआछूत जैसी चीज़ें हैं, जबकि वास्तव में इसके वैज्ञानिक आधारों की लोगों ने उपेक्षा की है। बात बहुत पुरानी है मेरे भाइयों। जब संस्कृति का विकास हुआ था आज से हजारों साल पहले, उस समय जब मेडिसिन ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, ज़्यादा माने आपके एलोपैथ चिकित्सा का विकास नहीं हुआ था, तब उस जमाने के प्राचीन लोगों को, प्राचीन विद्वान लोगों को अपने जीवन की रक्षा करनी होती थी। उस जमाने में भी महामारियों का प्रकोप होता था। सुनने में आता है, इतिहास पढ़ने से जानकारी होती है कि प्राचीन काल में जब महामारी आती थी तो उसमें गांव के गांव साफ हो जाया करते थे, लाशों के ढेर लग जाया करते थे। तो ऐसी परिस्थितियों को विद्वानों ने देखा और उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि ऐसी महामारियों से बचने के लिए एक खास किस्म की जीवन पद्धति उन्होंने बताया कि भाई अशुद्ध चीज़ों से दूर रहिए, बासी चीज़ों से दूर रहिए, जिनके यहाँ कोई मृत हो जाए तो उनको 10-12 दिन तक उनको क्वारंटाइन रखिए, अर्थात जिसको हम तेरी कहते हैं कि 10 दिन तक हमारे यहाँ मृत होने के बाद उसको छूत माना जाता है, वो भी तत्कालीन परिस्थितियों में क्वारंटाइन की व्यवस्था थी कि भाई 10 दिनों तक अगर इनके परिवार में किसी प्रकार का महामारी से अगर मौत हुआ होगा तो 10 दिन के अंदर परिणाम सामने आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे मतलब हिंदू संस्कृति की प्रामाणिकता देखिए कि तिरही, बरखी, ये सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ होती थी वो भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता के आधार पर ही होती थी। मेरे प्यारे भाइयों, इसी प्रकार हमारे यहाँ प्रणाम करने की जो परम्परा थी, प्रणाम करने की परम्परा में आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप मैनेज होता है, और प्रणाम की अवस्था में हम जब दोनों हाथ अपना जोड़कर अपने हृदय से लगाकर सामने वाले का अभिवादन करते हैं तो यह संपूर्ण समर्पण का परिचायक भी है। इसके लिए हाथ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आज विश्व के सारे राष्ट्राध्यक्ष भारतीय संस्कृति के इस प्रणाम करने की परंपरा का फिर से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यह कोरोना वायरस अगर ना आया होता तो लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता कि भारतीय संस्कृति में जो ये अभिवादन का यह तरीका है वही वैज्ञानिक है, वही सुरक्षित है, वही जीवन में वृद्धि करने वाला है, वही महामारियों से बचाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, एक एक बिंदु भारतीय संस्कृति के एक एक बिंदु का यदि हम निरूपण करने बैठें, चित्रण करने बैठें, व्याख्या करने बैठें तो कई कई दिन निकल जाएंगे। इसीलिए मैं संक्षिप्त शब्दों में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, संस्कृति के मामले में भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे विकसित, सबसे वैज्ञानिक संस्कृति थी। हम भारतीयों को इसका सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति का सम्मान करेगा, भारतीय संस्कृति को अपनाएगा, वह अपने जीवन में सफल होगा, अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति करेगा। इसलिए बंद करिए भारतीय संस्कृति की निंदा करना, बंद करिए माने इसे अंधविश्वास कहना, पाखंड कहना, ढोंग कहना। इसकी एक एक चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करें और इसकी एक एक बात, अभी तो कुछ बातें चलिए सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा सामने आ गई हैं, कोरोना वायरस के टाइम पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मैसेज गया है समाज में,
तो वह तो सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसी बहुत सारे पहलू भी बाकी हैं जिनको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। तो उन्हें समझने का प्रयास करें, भारतीय संस्कृति का सम्मान करें। मैं योगाचार्य आनंद फिर से आपका तहे दिल अभिनंदन करता हूँ और आपसे पूरे विश्व की मंगल कामना करता हूँ, आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।